ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन को बदनाम करने के लिए रूस में एक अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे मैसेज में कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोग बंदर बन जाएंगे। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए वायरल हो रहे फोटो और वीडियो मैसेजों में कहा गया है कि इस वैक्सीन को बनाने के लिए चिंपांजी के वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की खबरें रूसी टीवी प्रोग्राम वेस्टी न्यूज में भी दिखाई गई हैं। रूस में ये प्रोग्राम ब्रिटेन में बीबीसी के न्यूज नाइट के बराबर लोकप्रिय है। वायरल की जा रही तस्वीरों में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की भी एक मॉव्ड फोटो है, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर याती के रूप में टहलते हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि मुझे अपना बिगफुट वैक्सीन पसंद है। एक अन्य वायरल फोटो में ऑक्सफोर्ड के साथ वैक्सीन बना रही एस्ट्राजेनेका के लैब कोट में एक चिंपांजी को दिखाया गया है जो वैक्सीन को एक सिरिंज के जरिए बना रहा है, जबकि एक दूसरी तस्वीर में अमेरिका के अंकल सैम को दिखाया गया है, जिसमें उनके पीछे लगे एक बैनर पर लिखा है कि मैं आपको मंकी वैक्सीन देना चाहता हूं। ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि इस कैंपेन का असली लक्ष्य ब्रिटिश कोरोना वायरस वैक्सीन की मार्केटिंग को नुकसान पहुंचाना है, जिससे वो अपनी खुद की स्पुतनिक वी वैक्सीन को बेच सके। मैसेजों के जरिए रूसी लोगों के मन में इस धारणा का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन बेकार है और इससे इंसान बंदर बन जाएगा।